नमस्ते, मैं नीरजा आपका स्वागत करती हूँ। कोर मसल्स हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोर मसल्स यानी हमारे वेस्ट लाइन का जितना पार्ट है, आगे से स्टमक, पीछे से हिप रीजन एंड साइड में थाई मसल्स वाला पार्ट, ये पूरा वेस्ट रीजन वाला पार्ट हमारा कोर मसल्स है। अगर आपके कोर मसल्स वीक हैं तो आपको बैक पेन भी हो सकता है। तो आज मैं कुछ स्ट्रेचेस आपको बता रही हूँ जिससे आपके कोर मसल्स स्ट्रेंथन होंगे और आपका बेली फैट रिड्यूस होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हम पहले वार्म अप करेंगे। राइट लेग को बेंड करें, क्लास्प योर हैंड्स एंड स्ट्रेच योर लेग अपसाइड, एक्सहेल डाउन, इनहेल अनदर लेग, एक्सहेल डाउन, वन मोर टाइम, इनहेल एंड स्ट्रेच योर लेग अप, ऑल द वे अप, एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम, इनहेल एंड स्ट्रेच योर लेग, एक्सहेल डाउन। दोनों हाथों को जमीन से टच करते हुए हथेलियों को, दोनों पैरों को ऑल द वे स्ट्रेच, एंकल से पूरा स्ट्रेच करें, नी कैप्स टाइट, इनहेल करते हुए 30 डिग्री पर अप करेंगे, इनहेल, एक्सहेल करते हुए पूरे बैंड करें पैरों को, इनहेल 90 डिग्री, एक्सहेल बैंड, इनहेल 30 डिग्री, एक्सहेल बैंड, पूरा बैंड करके पैरों को अंदर की ओर खींचे, पेट को पूरा अंदर खींचे, फील द प्रेशर ऑन द कोर मसल्स, एक्सहेल 90 डिग्री अप, इनहेल बेंड योर लेग्स, फील द प्रेशर, एक्सहेल एंड रिलैक्स। नी सपोर्ट से अपर बॉडी से उठ जाएंगे, बेंड 30 डिग्री अप, इनहेल एक्सहेल बेंड, इनहेल 30 डिग्री अप, एक्सहेल बेंड, इनहेल, स्ट्रेच योर लेग्स ऑल द वे स्ट्रेट, एक्सहेल, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड एंड इनहेल एंड रिलैक्स। रिलैक्स हियर 2 to 3 डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स करें। नेक्स्ट स्ट्रेच के लिए प्रिपेयर्ड हो, नी सपोर्ट से बैठ जाएं, दोनों हाथों को यहाँ पे रखें, हिप से थोड़ा अवे, दोनों पैरों को स्ट्रेच करें, नी को ऑल द वे स्ट्रेच करें, इनहेल करते हुए अपर बॉडी को पूरा अप उठाएं, जितना हो सके उतना उठाएं, इनहेल एंड रिलैक्स। एक और बार, वन मोर टाइम, इनहेल, दोनों हाथों को थोड़ा पास में रखें, 30 डिग्री पर दोनों पैरों को पूरा उठाएंगे और बैलेंस करेंगे, इनहेल एंड रिलैक्स। इसको 2 से 3 बार करें, इससे आपका स्टमक का पार्ट रिड्यूस होगा और आपके कोर मसल्स स्ट्रेंथन होगी। एक और बार, अगर आपको फर्स्ट टाइम में बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है तो इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों को क्लैस्प करें अंदर से, पूरा हिप्स पे आए और फिर धीरे से पैरों को स्ट्रेट करें, पेट को पूरा खींच के रखें, ये कुछ स्ट्रेचेज हैं, इनको करने से आपकी कोर मसल स्ट्रेंथन होगी। लेकिन हमेशा याद रखें कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो 5 to 7 सेकेंड से स्टार्ट करें, 7 सेकेंड से ज़्यादा होल्ड ना करें, धीरे धीरे अपने होल्ड को बढ़ाएं, धीरे धीरे 10 सेकेंड 15 सेकेंड तक लेके जाएं। अगर आपको बैक में थोड़ा सा भी पेन है, किसी जगह पे कोई स्ट्रेस है और आपको पेन हो रहा है,
या आपको टेल बोन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही स्ट्रेचिंग करें। जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको स्ट्रेचिंग बताई है उन सबको आप ब्रीदिंग पैटर्न के साथ ही करें, क्योंकि इसका एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। ब्रीद इन, इनहेल और एक्सहेल के साथ ही उन स्ट्रेचेस को करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर इसलिए करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।